ब्रह्मपुत्र नमामि ब्रह्मपुत्र कभी शांत बहे कभी रुद्र पल पल एक नया चित्त। The Brahmaputra is a transboundary river which flows through Tibet, northeastern India and Bangladesh. It is known as the Yarlung Dishangpo in Tibetan, the Siang Dihang River in Arunachali, Luit and Brahmaputra in Assamese, and Jamuna River in Bangla. It is the 9th largest river in the world by discharge and the 15th longest. तो चलिए चलते हैं इस महान नदी के पास। हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज मैं जा रहा हूँ ब्रह्मपुत्र के पास। ये रास्ता ना बहुत सुंदर है, ये इतना सुंदर है, देखो पूरा नेचुरल। ये है रबर बगन, तो रबर का बगन है ये पूरा रबर गस। तो आगे भी देखो, वो वाला भी रबर बगन है, बहुत सुंदर पूरा। अभी तो अप्रैल मंथ पड़ने वाला है, तो नया नया पत्ता निकला है अभी। तो देखो कितना सुंदर पहाड़ी पे रबर बगान, तो क्या बहुत अच्छा लगता है ऐसा नेसर में घूमने से। बहुत दिनों से घूमा नहीं हूँ मैं, बहुत दिनों से, करीब 2 महीना हो गया मैं कभी भी मतलब ऐसा मोटो ब्लॉग नहीं किया। तो इसलिए आज सोचा कि थोड़ा मोटो ब्लॉगिंग हो जाए, थोड़ा एन्जॉय, थोड़ा सिल, थोड़ा ऐसे राइडिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इतना सुंदर सुंदर गांव, इतना सुंदर गांव के बीच में ऐसा मतलब रास्ता होने से बहुत सुंदर लगता है। अभी तो जाना पड़ेगा इधर से। तो गाइस फाइनली पहुँच गया मैं ब्रह्मपुत्र के पार। ये देखो ब्रह्मपुत्र, नमामि ब्रह्मपुत्र, नमामि ब्रह्मपुत्र, प्रणामो ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ पे आज एक मेला था जो अष्टमी मेला बोलते हैं असम में, तो शायद उसका ही मेला लगा था। यहाँ पे पूरा दुकानदार हो गया था। ये देखो ब्रह्मपुत्र के बीच में। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ब्रह्मपुत्र इतना छोटा है, लेकिन इतना छोटा तो नहीं है। ये वाला थोड़ा पार्ट है, उसके बाद यहाँ पे बालेश्वर हो गया, उसके बाद फिर से ब्रह्मपुत्र है। तो बहुत बड़ा है, लेकिन बीच में ये बालू जमा हो गया है। तो वहाँ पे देखो मछलियाँ पकड़ रहा है। तो आज ऐसा पूरा पूजा लगा था इधर, पूरा पूजा का सामान देखो। ब्रह्मपुत्र पूरा एक्सप्लोर करेगा आज में। तो ब्रह्मपुत्र के बीच में ये वाला भी रास्ता बन चुका है देखो, लेकिन वहाँ पे शायद मेरा गाड़ी नहीं जाएगा, क्योंकि मेरा गाड़ी का वज़न ही 200 किलो है ना, तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। फिर भी जाके देखते हैं जा पाता है कि नहीं। मैं आप लोग देख सकते हो ब्रह्मपुत्र के बीच में जो इल्लीगली कैसे लोग रहते हैं। तरफ जा मतलब जाने का मन था, लेकिन मिट्टी कैसा है पता नहीं, तो फंस जाने से थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। चलो चलते हैं, एक बार देख के आते हैं। इतना ही गया तो इधर इधर भी लोग हैं, तो कोई प्रॉब्लम होने से इन लोगों को हेल्प मांगूंगा। वाओ क्या नेचुरल फील है रे भाई बाबा, इतना सुंदर नेचर के बीच में राइडिंग करना कितना सुंदर लगता है। लेकिन एक बात है, यहाँ पे पेड़ वगैरह कुछ भी नहीं है। नहीं 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 नहीं, मेरा गाड़ी फंस गया। इस तरफ से रास्ता जाने में थोड़ा मुझे प्रॉब्लम होगा, मैं घूमना पड़ेगा, मुझे आगे नहीं जाएगा, लेकिन बैक तो जा सकता है। भाई 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 भाई, पूरा स्लिप मारता है रे गाड़ी। तो अभी रिटर्न चलते हैं, यहाँ पे थोड़ा मुश्किल होगा मेरा जाना। तो फाइनली ब्रह्मपुत्र के ऊपर आ गया। अभी रिटर्न चलते हैं। ये लोग पूरा मेला वगैरह ख़त्म करके हो गया इन लोगों का, मुझे पहले ही आना चाहिए था। मेरा हमेशा ऐसा ही होता है, जब ख़त्म होता है तब आता हूँ मैं। दिन में आना चाहिए था इधर, थोड़ा अच्छा होता तब।
तो गाइस फाइनली आज का वीडियो में इतना ही था। इतना ही वीडियो में मैं दिखाने के लिए गया था कि ब्रह्मपुत्र के पार, ब्रह्मपुत्र के जो पास में एरिया है वो दिखाने के लिए गया था, ब्रह्मपुत्र के पास कितना सुंदर होता है। तो आज मैं भी बहुत घूमा, आप लोगों को भी दिखाया ब्रह्मपुत्र के बीच में। तो मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं डेली ब्लॉग बनाऊँ, मोटो ब्लॉग या फिर जो भी हो, लेकिन डेली ब्लॉग बनाने में मुझे किक नहीं मिलता, क्योंकि क्या बनाएगा डेली, खाना खाया कुछ किया ऐसा ही बनाने से मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं मुझे इंटरेस्ट नहीं है डेली लाइफस्टाइल दिखाने का, इसलिए मैं ज़्यादातर लोकेशन दिखाता हूँ। कभी लोकेशन अच्छा लोकेशन मिलने से, जाने के लिए अगर पैसा मिलने से, तो मैं लोकेशन दिखाता हूँ। तो ऐसे ही मैं बनाता रहूँगा लोकेशन ट्रेवल ब्लॉग। तो आज का वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर और उससे पहले अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।